मंच पर विराजमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, इस प्रांत के सेक्रेटरी, प्रांत संगठक, सह संगठक तथा उपस्थित नौजवान साथियों, आपको देख करके मुझे हर्ष इसलिए हो रहा है, उस कवि की वाणी याद आती है कि जिस ओर जमानी चलती हो सो जमाना चलता है। इसलिए अपने जमाने का परिचय देते हुए इतना तेज उद्घोष कीजिए कि हिमालय के पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान के सीमा पर पंजाब, राजस्थान और बांग्लादेश के सीमा पर बंगाल, उड़ीसा और इधर दक्षिण समुद्र तट पर तमिलनाडु का अंतिम छोर, केरल का अंतिम छोर तक सुनाई देना चाहिए कि तिरुपुर में नौजवान हिंदुओं का सम्मेलन है। इसलिए बोले भारत माता की। अभी कुछ लोगों का हाथ नहीं उठा, हम मुट्ठी बांध करके, मुट्ठी में संगठन में शक्ति है कहते हैं, इसलिए दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। खाकर जिसका अन्न पले हैं, पीकर जिसका पानी, जिस पर हम सब धूम मचाते दौड़ दौड़ मनमानी, वो है भारत। अब आप बोलिए हम हैं हिंदुस्तानी। मेरे लाइन के अंत में बोलिए खाकर जिसका अन्न पले हैं, पीकर जिसका पानी, जिस पर हम सब धूम मचाते दौड़ दौड़ मनमानी, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। अब बोलिए भारतवासी, हम हैं भारत। पीछे आवाज धीमे हो जा रहा है, हम हैं भारत। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे विष्णु पुराण ने लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य दक्षिणम, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वस तत् भारतम, यहाँ का रहने वाला संतति है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में ये जो क्षेत्र फैला हुआ है यह भारत है और हम उसके संतति हैं, अर्थात हम उसके पुत्र हैं। यह भारत माता है दुनिया का, यही एक देश है जिसको हम माता कहते हैं। कभी पाकिस्तान माता सुना है, कभी अमेरिका माता सुना है, कभी अफगानिस्तान, इंग्लैंड माता सुना है। बंधुओं, केवल केवल यह मातृभूमि है जिसको भगवान राम ने कहा है स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग के समान ये भारत भूमि है, इसलिए मेरी माँ है। इसलिए फिर से बोलिए भारत माता की। अब हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने इस धरती पर तप किया है, पुण्य भूमि वत्सल मातृभूमि कहा है, इसके अन्न को खा करके, जल को पी करके हम इतने बड़े हुए हैं। इसलिए हमारे पूर्व के महर्षियों ने, चाहे वे खुदीराम बोस रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे आपके इस प्रदेश के बाबा चिदंबरम जी रहे हों, सारे लोगों ने इस देश को एक सूत्र में पिराया है। यहाँ तक इसी प्रांत के प्रातस्मरणीय पूज्य आदि शंकराचार्य ने सारे भारतवासियों को एक हम हैं इस संदेश को देने के लिए चार धाम चारों दिशाओं में किया। मैं काशी का वासी हूँ, केंद्र मेरा लखनऊ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, सारे दक्षिण भारत के लोग जितना संख्या में बाबा विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, उतना ही लोग हिमाचल से, पंजाब से,
उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से लोग भी रामेश्वरम जाते हैं। उतने ही लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, उतने ही लोग जो है उड़ीसा में विराजमान प्रभु के चरणों, चारों दिशाओं में। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने चार धाम स्थापित इसलिए किया कि हम सब एक हैं। इसलिए प्रांतवाद, भाषावाद, भेषवाद, खानपानवाद को छोड़ करके हम बोले हम सब भारतवासी। हम जब अपने मंदिरों में जाते हैं तो बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस देश का हर वासी, सनातनी, हर हिंदू केवल अपनी भला नहीं चाहता है, प्राणियों में, क्योंकि कहते हैं कण कण में राम है। आप घटना जानते होंगे जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खम्भे में बांधकर पूछा कहाँ तुम्हारे भगवान हैं, तो सूखे खम्भे में बंधा हुआ जब प्रहलाद ने कहा हम में तुम में खड़ग खम्भ में सब में व्यापे राम, तो कहते हैं कि खम्भे फाड़ करके नरसिंह अवतार के रूप में आते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद का उद्धार करते हैं। इस कण कण में शंकर है, और इस कण कण में शंकर होने के नाते यहाँ का हर वासी शंकर भक्त है, कण कण में राम है। इसलिए भारत के हर जाति, हर प्रांत के रहने वाला व्यक्ति राम भक्त है। आप सब लोग, मुझे याद है मैं प्रयागराज में प्रचारक था, अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ, आप सबको मालूम होगा विवादी ढांचा गिराने वाले उत्तर भारत के लोग नहीं थे, कहाँ के थे, दक्षिण भारत के लोग। राम का मंदिर बनना चाहिए, इसलिए दक्षिण भारत के भी कार सेवक वहाँ गए, तन मन धन पूर्वक उस कार सेवा किया, और उत्तर भारत के लोगों ने क्या किया, जो भाषा बोलना नहीं जानता था, कैसे खाए पिए, तो संकेत मात्र से उत्तर भारत के निवासियों ने हमारे दक्षिण भारत जो राम भक्त शिव भक्त थे, इनके संकेत मात्र से सब प्रकार का सुविधा दिया। हम भूल गए जातिवाद को, हम भूल गए क्षेत्रवाद को, हम भूल गए पहनावे वाद, हम एक हैं, एक रहेंगे। वास्तव में अपने सह संगठन जी ने जो गीत गाया हिंदू हिंदू एक रहें, अगर हम सभी लोग अंगीकार कर लें, अपने मन मस्तिष्क को बैठा लें उसमें, तो भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, इस बौद्धिक देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश का वास्तविक रक्षक अगर कोई है, ये नौजवान जो अपने को हिंदू कहता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, धीमा क्यों आ जा, गर्व से कहा हम हिंदू हैं, भारतवासी हैं, क्योंकि यही एक देश है जिसको हम माँ करके पुकारते हैं, यही एक धरती है, यही एक पुण्य भूमि है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्यो, सभी सुखी हो, सभी अग्रसर हो, आगे बढ़ें, सभी निरोगी हो, हमें कोई कष्ट नहीं है। हम मंदिरों में बोलते हैं जो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। केवल इस भारत भूमि पर रहने वाला भारतवासी, हिंदूवासी ही बोलता है, अन्य समुदाय नहीं बोलता है। इसलिए यहाँ बैठे हुए नौजवान साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से, सारे देशवासियों के माध्यम से आज देश का दिशा बदल रहा है। सारे दुनिया में जब भारत पीछे था तो लोग संकोच से कहते नहीं, मैं भारत का हूँ कहने में संकोच करते थे,
लेकिन आज हम विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में बाबा राम जैसे योगी आज दुनिया 21 जून को स्वीकार करती है, योग करो निरोग बनो, हमारे संस्कृति को स्वीकार किया। जो अंग्रेज का महाराणा, अंग्रेज का राजा रानी हमारे देश पर गुलाम बनाया था, बाबा रामदेव जब इंग्लैंड गए, ब्रिटेन गए, तो उनके चरणों में बैठ करके विक्टोरिया रानी परिवार के लोग योग शिक्षा दान दिया। हम कहते पूरा परिवार, पूरी धरती हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे संस्कृति को मानने वाले, ऐसे विचारधारा को मानने वाले हम सब भारतवासी आपस में लड़ नहीं सकते। लड़ाने का प्रयास होता है, और लड़ाने का प्रयास कैसा होता है, शायद अब मेरी भाषा, मैं भोजपुरी समाज से आता हूँ, मेरी भाषा समझ में आती होगी तो आप जरा सा अंत में आवाज़ भारत माता के लगाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी भाषा समझ रहे हैं। कथा बताता हूँ कि आज की परिस्थिति में राजनीतिक दलों के लोग समाज तोड़ो सत्ता लाओ इस तरह का परिणाम दिखाई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें बचना पड़ेगा। कैसे करते हैं, एक जंगल में दो बैल रहते थे, दोनों बैल आपस में बड़ी आत्मीयता थी, बड़ी दोस्ती थी, मित्रता थी, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए साथ साथ रहते थे। एक बार शेर जंगल का राजा दोनों बैलों को पेड़ के नीचे बैठते देख करके उसके मुंह में पानी आ गया, क्या बढ़िया शिकार है। वह एक बैल पर झपट्टा दहाड़ कर मारना चाहा, दूसरा बैल देखता है कि मेरे मित्र को मार रहा है, तो जो दूसरा बैल था पीछे से सिंह लगा दिया। जब पहला बैल देखता है कि अरे मेरे मित्र को मार रहा है, तो पीछे से सिंह लगाया, तो क्या हुआ, शेर बीच में, इधर बैल इधर बैल, जब इधर घूमता था तो इधर सिंह का वार, और जब इधर घूमता था तो इधर सिंह का वार, शेर दो बैलों के बीच में फंस गया, घायल हो गया, निराश हो करके वह अपने गुफा चला गया। कुछ दिन बाद एक लोमड़ी उस गुफा से गुजर रही थी, लोमड़ी देखा कि कहीं शेर मुझे खा न जा, इसलिए दूर से कहा, अरे राजा साहब, राजा साहब, आप इतने कमज़ोर, आँखों में आंसू क्यों बहा रहे हो, क्या कारण है, बताओ ना मुझे। अब एक लोमड़ी शेर को समझा रही है, जरा कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आज की परिस्थिति पूरे देश में ही हो रहा है। शेर ने कहा कि देखो मैं जंगल का राजा हूँ और दो बैल मुझे मारकर घायल कर दिए। लोमड़ी तुरंत कहती हो, कहाँ है बैल, बताओ मैं बताता हूँ। करे तुम क्या करोगे, जब मुझे मार करके घायल कर दिए तो तुम्हें क्या समझेंगे, करे आप बताओ ना। शेर दूरे से बताया कि उस पेड़ के नीचे देखो दो बैल बैठे हुए, वह लोमड़ी अपने पैर में घुघरू बांधी, नाचते गाते भाई कहे बड़े मजे की बात है। जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा तो मेरे भाषण का पूरा सारांश है कहानी। आज जो देश की परिस्थितियाँ हैं, अगर हम सब इस कहानी से प्रेरणा लेकर के सावधान हो जाएंगे तो कोई बाल बांका नहीं करेगा, इस हिंदू मनानी संगठन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। लोमड़ी आती है, बड़े मजे की बात है कह करके गाने लगती है, नाचने लगती है। बैल पूछते हैं, लोमड़ी बहन क्या बात है, लोमड़ी एक ही धुन लगाती थी, बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है। एक बैल को गुस्सा आया और लोमड़ी को दौड़ाया, थोड़े दूर जाने के बाद लोमड़ी रुक गई और उस बैल को बुलाया, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बात है, उसके कान में बताई, कुछ नहीं, क्या बोली, क्या बोली, कुछ नहीं। बैल लौट के आया, जो बैल बैठा था उसने पूछा कि मित्र उस लोमड़ी ने तुम्हारे कान में क्या कहा,
बैल सच बोला, कुछ नहीं। लेकिन बैठा हुआ बैल देखा कि इसके कान में बोली है, कुछ न कुछ बात है, मित्र बताओ। अब यहीं से शुरू हो जाता है। फिर दूसरे दिन लोमड़ी आती है, बड़े मज़े की बात है, बड़े मज़े की बात, इस तरह से गीत गाते हुए नाचने लगती है। जो बैल सुना नहीं था, उस बैल ने पूछा कि बहन क्या बात है। दूसरे बैल को कुछ दूर ले गई, उसके कान में बताई कुछ नहीं। क्या बताई? कुछ नहीं। बैल लौट के आया तो कल वाला बैल ने पूछा, मित्र क्या बताई लोमड़ी ने? कहे कुछ नहीं। तुम बताओ, तुमको क्या बताई थे? कहे कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं में क्या हो गया? दोनों में झगड़ा हो गया। बंधुओं, कहानी आगे ये है, लोमड़ी लौट कर जाती है शेर के पास तीसरे दिन, और शेर से कहती है कि जाओ, दोनों को मैंने टकरा दिया, अब तुम शिकार बड़े मन से खूब से खाओ। शेर आता है, फिर भी डरता है कि कहीं बैल मार न दे। लेकिन लोमड़ी जैसे जीव जंतु, वो क्या कहती है? अरे दहाड़ो दहाड़ो दहाड़ो। जब दहाड़ता है तो एक बैल कहता है उसको मारो, वो कहता है कि नहीं इसको मारे। अंत में शेर भूखा था, दोनों बैलों को मार खाया। नौजवान साथियों, आज की परिस्थिति में पूरे देश में ये राजनीतिक नेताएं जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद करके हमें आपको लड़ा रहे हैं, लेकिन हमें आपको समझदारी ये दिखानी है कि पहले जैसे बैल मुट्ठी जैसे बंद संगठित होना चाहिए। हमारे किसी भी देश के निवासियों पर कोई भी किसी प्रकार का भाषा बोलता है जो भारत को तोड़ने की स्थिति में आता है, हिंदू समाज की तोड़ने की स्थिति में आता है, हमें बैल जैसे दहाड़ना पड़ेगा। इसलिए छोटी सी कहानी से इतने सारांश निकलता है, भावार्थ निकलता है कि संगठन में शक्ति है, संगठन में, या जोर से बोलिए, संगठन में। अब ये संगठन में शक्ति जिस दिन भारतवासियों को उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक हुंकार बांधेगा कि हम राम के धरती के हैं, कृष्ण के धरती के हैं, भगवान शिव के धरती के हैं, रामेश्वर की धरती के हैं, आदि शंकराचार्य के पावन धरती से हैं, हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे, कोई हमारी इस देश पर किसी भी प्रकार का उंगली उठाएगा तो उस उंगली को क्या करेंगे हम? आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए, लेकिन एक और छोटी सी कहानी याद आती है। एक जंगल में पेड़ के नीचे, गांव के बाहर जंगल था, एक बहुत बड़ा सांप रहता था। मैं अपनी भाषा बौद्धिक कहानियों के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ कि उदाहरण से आपको याद रहेगा। अभी तक तो संगठन में शक्ति है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हिंदू कभी कायर नहीं रहा है, हुंकार बाधा है। बंधुओं, इतिहास के पन्ने के पलट लो, कभी देश गुलाम नहीं हुआ है, संघर्ष करता रहा है। उस जंगल में एक सांप रहता था। जो यात्री जाते थे अपने खेत में, उसको डस लेता था, आदमी मर जाता था। एक हमारे अध्यक्ष जैसे सन्यासी उस गांव में गया हिंदू संगठित करने के लिए। हमारे संगठन जैसे व्यक्ति गया, क्या बात है भाई, इस गांव के लोगों की संख्या कम हो रही है, बात क्या है? तो लोगों ने कहा कि मेरे गांव के बगीचे में एक सांप रहता है, जो उधर जाता है उसको दौड़ा के काट लेता है, जिससे आदमी मर जाता है। तो जिस प्रकार से आपका सम्मेलन करके हमारे अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी जी, अन्य लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, महात्मा जी ने कहा चलो कहाँ बताओ सांप कहाँ है। कहे देखिए वो सांप खड़ा है, फूक काट लेगा। गंगा जल से मंत्र पढ़ा, छिड़क दिया, ओम शांति शांति शांति, ऐसा मंत्र बोला, सांप शांत हो गया।
जरा कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिनों बाद जब शांत हो गया सांप, किसी को नहीं काटता था, तो छोटे बच्चे भी उसके पूंछ पकड़ करके घुमाने लगते थे, पेड़ पर पटकते थे, लटकर के झूला जैसे झूलते थे। कई महीनों बीत गया, सांप तो शांति पाठ उस महात्मा की बातें मान करके शांत था। कुछ महीनों बाद जब महात्मा फिर उस गांव में आए तो कहें, भाई उस सांप की क्या हालत है, चलो देखा जाए। छोटे बच्चे गए, पूंछ पकड़े इसे घुमाने लगे, कर छोड़ 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 क्या बात है। महात्मा ने उस सांप से पूछा, अरे तुम्हारी ये दशा क्या हुआ? कह रहे, आपके वो जल का छिटका हुआ मंत्र ओम शांति शांति जो दिए ना, वही कारण है। तो महात्मा जी ने कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, चलमन गंगा किनारे काशी में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं और गंगा माँ की आरती में आरती करते हैं, जाते हैं मथुरा में वृंदावन में किस भगवान के उस मंदिर का दर्शन करते हैं, जमुना माता की आरती करते हैं, आते हैं रामेश्वरम में भगवान शिव का दर्शन पूजन करते हैं, आते हैं मीनाक्षीपुरम में उस माता का दर्शन करते हैं। आज पूरे दुनिया में पूरे देश में ये भाव जगा है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बहुत लोग उत्तर प्रदेश के होंगे यहाँ पर, आप सबको गर्व होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के शासन ने कहा है कि रामनवमी के अवसर पर हर जिला कलेक्ट्रेट में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र बनने की अग्रसर हो रहा है बंधुओं, इसलिए इस हिंदू राष्ट्र अग्रसर होने बनने में आप सबका भी मैं सहभागी बनने के लिए आया हूँ। आप अपने आप को एक भारतवासी हिंदूवासी हिंदुस्तानी बन के रहें, आप सबके बल पर चाहे इस प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ जहाँ भी हमारे देश के लोग गए हैं, मॉरिशस में भी, दक्षिण से लेकर के उत्तर पूर्व सारे लोग मॉरिशस में गए, है मुस्लिम राष्ट्र लेकिन वहाँ जहाज फ्लाइट का नाम अरुण है, केतु है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, जब वहाँ गए, वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछा कि आप तो मुस्लिम शासक हैं, यहाँ अरुण केतु ये नाम क्यों रखें अपने जहाज़ों का? उन्होंने कहा, मैंने पूजा पद्धति बदला है, मैं अपने पुरखों को नहीं बदला है, इसलिए दुनिया बदल रहा है। आज इस प्रदेश में हिंदू मनाने के, और इसी प्रदेश में नहीं, इसी के प्रेरणा से पूरे देश में हिंदू जागरण का काम हो रहा है, प्रेरणा स्रोत हिंदू मनाने ही है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे हिंदू जागरण का जन्म स्थली से आप काम कर रहे हैं, इसलिए जागो, अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अंत में हम चाहते क्या हैं, हमारे ये लोग मंच पर जो बैठे चाहते क्या हैं, तो एक कवि की लाइन है, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, न धरा न हमें असमान चाहिए, न धरा न हमें असमान चाहिए, टूटे फूटे देश, टूटे फूटे इच्छा नहीं देश की, हमें अपने पुरुष का महान देश चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान कैसा था? विश्व गुरु था, दुनिया को ज्ञान दिया, जिसको खाने नहीं आया उसको कैसे भोजन बनाया जाता ये सिखाया, पहनने नहीं आया पहनावा बताया। माँ तो पिता केवल भारत में, भाई बंधु चाचा नाना नानी सारे रिश्ते हैं, यही भारत भूमि है जहाँ 6 ऋतुएं हैं, यानी अन्य देश में एक ही ऋतु है, इसलिए हम सब बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं, इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। इसलिए आपस के मतभेद भूल करके इस हिंदू मनाने के बैनर तले आ करके हम सब एक हैं,
या ना नारा लगावे, इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरे समझ में आया आप सबके बीच में अचानक मुझे सूचना मिला, अंत में पुनः एक जयकारी बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय भारत।